अगेन हम एक एक्टिव एनालिटिक्स अकाउंट में हैं। एडवर्ड्स के स्टैट्स चेक करने के लिए एनालिटिक्स अकाउंट में हम क्लिक करेंगे एक्विजिशन पर। एक्विजिशन से क्लिक करेंगे एडवर्ड्स पर। एडवर्ड्स से हम करेंगे कैंपेन्स का डाटा देखने के लिए कैंपेन्स पर क्लिक। एडवर्ड्स डाटा एनालिटिक्स में देखने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम अपने कैंपेन, एड ग्रुप्स, कीवर्ड्स और सेशंस पर सेशंस, बाउंस रेट, पेजेस पर सेशन एंड गोल्स चेक कर सकें। सेशंस हमें शो करते हैं कि कितने लोग हमारी वेबसाइट के साथ एक्टिवली इंगेज हुए। बाउंस रेट शो करता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल ड्रॉप हुई है हमारी वेबसाइट के साथ बगैर किसी इंटरेक्शन के। और पेजेस पर सेशन शो करते हैं कितने एक सेशन में कितने पेजेस व्यू हुए हैं ऑन एवरेज। एंड उसके बाद आते हैं गोल्स। गोल्स हम बनाते हैं अपने की पेजेस के लिए जो कि हमें शो करते हैं कि कौन कौन सी कैंपेन एड ग्रुप्स और कीवर्ड्स के साथ हमारे की पेजेस व्यू हुए हैं। जब भी कोई की पेज व्यू होता है तो वो एनालिटिक्स वन गोल कंप्लीट कर देता है। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं ऐड टू कार्ट, चेकआउट एंड सेल के, जो कि हमें लाजमी बनाने चाहिए जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम स्टार्ट करें और आप एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हों। ऐड टू कार्ट, चेकआउट और कंप्लीट सेल, ये गोल हमें शो करते हैं कि कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है, फिर उसके बाद कितने लोग चेकआउट के पेज तक गए हैं, आफ्टर दिस कितने लोगों ने ऑर्डर को कंप्लीट किया है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे कैंपेन्स पर टोटल ऐड टू कार्ट के 63 गोल्स हैं। अब हम चेक करेंगे इसके बाद कितने लोग सेकेंड स्टेप यानी कि चेकआउट तक गए हैं। 31 लोग हमारे चेकआउट तक आए हैं, यानी कि ऐड टू कार्ट और चेकआउट के दरमियान हमारे पास 32 विजिटर ड्रॉप हो गए हैं। 63 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया था और उसके बाद सिर्फ 31 लोग जो हैं सेकंड स्टेप तक गए हैं चेकआउट तक, यानी कि 32 लोग के अभी ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट्स उनके ऐड टू कार्ट में है लेकिन उन्होंने अपनी सेल कंप्लीट नहीं की। फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप है चेकआउट का। 63 से 31 लोग चेकआउट तक आए हैं। चेकआउट सेकंड स्टेप होता है ऑर्डर कंप्लीट करने का। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कंप्लीट सेल का। 15 लोगों ने अपने ऑर्डर को कंप्लीट किया है, यानी कि 63 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद 31 लोग चेकआउट तक आए हैं एंड आफ्टर दिस ओनली 15 पीपल कंप्लीटेड द सेल। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो लोग परचेज नहीं करते, परचेज कंप्लीट नहीं करते, उनको हम कहते हैं अबेंडेंट कार्ट, यानी कि उन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया लेकिन उसके बाद अपनी ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया और ड्रॉप हो गए। तो अबेंडेंट कार्ट को रिकवर करने के लिए हम एक तो रीमार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं और एक सर्वे के मुताबिक अबेंडेंट कार्ट रेट जो है वो मोर देन 70% होता है, यानी कि मोर देन 70% लोग आपके प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करते हैं पर परचेज कंप्लीट नहीं करते। अब इस वेबसाइट के लिए जिसके स्टैट्स आप देख रहे हैं, हम अबेंडेंट कार्ट को डिक्रीज़ करने के लिए भी काम कर रहे हैं और हम रीमार्केटिंग कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि जो लोग ऐड टू कार्ट करके ड्रॉप ऑफ होते हैं तो उनको हम दोबारा कन्वर्ट कर सकें इनटू सेल।